हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1-4 क्वेश्चन कर चुके, आज 5th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करें। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा फिर हमारी ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके सारे क्वेश्चन हमने सोल्ड कर दिए और अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर। आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो है मैं फिर आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। उसमें लिखा हुआ है 5th क्वेश्चन के अंदर, मैं रीड करता हूँ। देखो, ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेस एज एट 31st मार्च 2022 इज गिवन बिलो। आपको ट्रायल बैलेंस नीचे दे रखा है और उसके नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग इन टू द अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एडजस्टमेंट। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, वो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगी तब रीड करते जाएंगे। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखो कैसे होती है। सबसे पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट। अच्छा, हर क्लास में रिपीट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं, एक में ट्रेडिंग बनता है जिससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, दूसरे में प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, वो भी इनकम स्टेटमेंट ही है, उससे नेट प्रॉफिट निकलता है। और बैलेंस शीट का अदर नेम है पोजीशन स्टेटमेंट। तो यानी कि इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट हुए, वन इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, अदर इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इसकी दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। ये कई बार हमने रिपीट कर रखा है आपको, ऊपर लिखा करो इन द बुक्स ऑफ। इस क्वेश्चन में नेम मेंशन नहीं है तो डॉट डाल देंगे। फिर ट्रेडिंग अकाउंट और फिर जिस ईयर के लिए बना रहे हैं, ये 2022 की डिटेल्स है तो फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। कैसे बनता है? ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंस। दो स्टॉक होंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग। ओपनिंग इधर लिखते हैं, क्लोजिंग इधर। परचेजेज इधर लिखते हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस। सेल्स को इधर लिखते हैं, सेल में से सेल रिटर्न माइनस। और डायरेक्ट एक्सपेंस, हमने डायरेक्ट एक्सपेंस की आपको लिस्ट दे रखी है। इससे पहले वाला चैप्टर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट है, उसकी आप वीडियो, सेकंड वीडियो चेक करो, उसमें हमने सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखवा रखे हैं। उनके अलावा जितने भी बनते हैं सारे इनडायरेक्ट हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। तो अब स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। देखो, सबसे पहले लिखा करो ओपनिंग स्टॉक, लिख दो ओपनिंग स्टॉक। आपको क्वेश्चन में दे रखा है 25,000, लिख दो 25। या लिखो क्लोजिंग स्टॉक, ऊपर मैंने स्पेस छोड़ दिया सेल्स के लिए। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा है, देखो 7,000 लिख दो। ये तो हमारा काम हो गया स्टॉक का। अब शुरुआत करते हैं, देखो परचेजेज से, लिखो परचेजेज जितने की दे रखी है। ये भी चेक करो रिटर्न तो नहीं है, रिटर्न आ रही है, रिटर्न आउटवर्ड दे रखी है। परचेजेज क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 1,20,000, लिख दो 1,20,000 इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम के अंदर लिखा हमने? क्योंकि रिटर्न थी, रिटर्न है तो यहां से माइनस करो रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न। ये मैंने हर क्लास में आपको बता रखा है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसको, ये परचेज रिटर्न ही है। देखो, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं और वो किसी वजह से डिफेक्टिव हो जाए तो हम क्या करते हैं, अपने सप्लायर को उसको रिटर्न करते हैं। तो गुड्स क्या हो रही है हमारे यहाँ से? आउट हो रही है, तो इससे बना है आउटवर्ड, तो ऐसे लगा लिया करो। अब आगे चलते हैं, इधर लिखो सेल्स। पहले ये लिख लिया करो, कभी गलती नहीं होगी क्वेश्चन में। सेल्स आपको क्वेश्चन में दे रखी है 2,27,800 और सेल्स रिटर्न भी दे रखी है। सेल्स रिटर्न क्वेश्चन के अंदर देखो ये दे रखी रिटर्न इनवर्ड। अब ये रिटर्न इनवर्ड से क्या बना आप बताता हूँ। जब हम सेल करते हैं तो कस्टमर को गुड्स देंगे, वो डिफेक्टिव है तो वो हमें रिटर्न कर जाएगा, तो शॉप में गुड्स इन हो रही है, इससे इनवर्ड बना है। तो ऐसे लगा लिया करो कि इनवर्ड होगा तो सेल रिटर्न, आउटवर्ड होगा तो परचेज रिटर्न। ये रिटर्न इनवर्ड क्यों? इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन है कि ये इधर लिखे हैं या उधर लिखे हैं रिटर्न इनवर्ड। इसमें गलती कर देता है स्टूडेंट, कई बार क्या करेगा वो रिटर्न इनवर्ड को इधर से माइनस करता है, आउटवर्ड को उधर से। तो आप इनवर्ड का मतलब है गुड्स इन हो रही है शॉप में, और कब होगी? जब कस्टमर वापसी कर जाएगा, तो वो सेल रिटर्न थी। हम किसी को वापसी करते हैं तो गुड्स आउट हो रही है, उससे आउटवर्ड बने तो रिटर्न आउटवर्ड। ऐसे लगा लिया 2,26,900। यहां तक क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे चलते हैं, आप डायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढो। अब यहाँ दे रखा है वेजेज, और वेजेज के एडजस्टमेंट भी पढ़ो, दे तो नहीं रखी। आउटस्टैंडिंग नीचे वेजेज दे रखी, आउटस्टैंडिंग 600। पहले तो वेजेज लिख दो 12,000 इनर कॉलम में, इट इज कॉल्ड इनर कॉलम, और इस कॉलम को क्या बोलते हैं? आउटर कॉलम। प्लस करो इसके अंदर आउटस्टैंडिंग जितनी दे रखी है, आउटस्टैंडिंग वो दे रखी है आपको 600, लिख दो 600। और ये लाइन डाली 12,600, इतनी पेड कर रखी है और ये अनपेड है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, अब नीचे और कोई एक्सपेंस देखते हैं, कोई है या नहीं।
कोई एक्सपेंस नहीं आ रहा, देखो नीचे अब डायरेक्ट। चलो जी अब इसका टोटल करते हैं, इधर का टोटल करते हो तो लास्ट में तो 900 बन गया ये रहा, और ये 2,33,000 आ गया इधर का, इधर का ज्यादा है इधर का मारा है, तो ये ज्यादा वाला लिख दो 233,900। ये चीज क्लियर हुई। अब इसमें से माइनस करते हैं और यहां ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो जी कैसे करेंगे वो देखो, हमने ये इनकम साइड थी हमारी, नीचे लिख लिया करो वर्किंग में, ये रफ वर्क है हमारा याद रख लो। कैसे निकला ग्रॉस प्रॉफिट वो समझा दिया हमने, 2,33,900, और उसमें से ये माइनस करते हैं तो इसका टोटल बनता है 1,56,600। माइनस करोगे तो 77,300 आ रहा है, वो हम यहां पर लिख देंगे। अब लिख दो 77,300। ये चीज क्लियर हुई कैसे निकला, ये इधर का टोटल करा 2,00,000, इट इज द इनकम 233,900। उसके बाद हमने इधर का टोटल करा वो 1,56,600 बना, उसमें से फिर हमने ये माइनस कर दिया, तो ये माइनस करा तो आ गया 77,300, और इसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लो जी ये तो बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। चलो जी अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की भी वही दो साइड है याद रख लो, ये डेबिट और ये क्रेडिट। यहां से शुरुआत करो, सबसे पहले लिखो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकला था, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा था 77,300, वो लिख दो यहां पर 77,300। ये चीज क्लियर है। चलो जी अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो डेबिट साइड लिए जाएंगे, जो इनकम है वो क्रेडिट साइड। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले सैलरी दे रखा है, सैलरी लिखो 2 लिखो सैलरी। चलो जी अमाउंट आपको सैलरी का दे रखा है 20, और नीचे सैलरी की आउटस्टैंडिंग है तो इनर कॉलम में लिखा जाएगा, इस कॉलम को आउटर अंदर वाले को इनर, प्लस कर दो इसके अंदर आउटस्टैंडिंग जितनी दे रखी है। आउटस्टैंडिंग आपको नीचे दे रखी है सेकेंड पॉइंट में 1400, लिख दो 14, और ये लिख दो 21,400। यहां तक क्लियर हो गया, आगे चले। सैलरी के बाद बैड डेट है, लिखो बैड डेट। बैड डेट का मतलब जो डेटर से पैसा लेना था वो मिला नहीं हमें, ये यानी कि देखा जाए तो टिपिकल वर्ड है, डूब गया हमारा पैसा, इट इज कॉल्ड बैड डेट। उसके बाद आगे आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, लिख दो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। अमाउंट दे रखा है आपको 1200, लिख दो 1200। इलेक्ट्रिसिटी के बाद नीचे टेलीफोन चार्जेज, वो भी लिखो यहीं पर टेलीफोन चार्जेज, वो आपको वो दे रखे हैं 2400। नेक्स्ट दे रखा है जर्नल एक्सपेंसेस 3000, इनकी एडजस्टमेंट भी देख लो, कोई आ तो नहीं रही, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस है, बस वो ध्यान रखेंगे वो एडवांस है। जर्नल एक्सपेंसेज लिख दो, कितना दे रखा है जर्नल 3000। जर्नल एक्सपेंस के बाद आगे दे रखा है पोस्टेज एक्सपेंसेज हमें दे रखे 1800, लिख दिए हैं। पोस्टेज के बाद रिटर्न इनवर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया, बड़े ध्यान से करेंगे इसको जरा, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट आ रही है तो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, दे रखा है 1500 ये रहा। अब नीचे देखो लास्ट वाली दे रखी है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, इट इज प्रीपेड, तो यहां से माइनस करो एडवांस। आप एडवांस वर्ड लिखो या प्रीपेड लिखो, एक ही मीनिंग है, 200, तो अल्टीमेट कितना बन गया 1300। नेक्स्ट चलते हैं अब, उसके बाद इधर से कुछ नहीं, क्रेडिट साइड आओ, जो इनकम कोई हो तो एक कमीशन रिसीव्ड आ रहा है देखो 500, क्रेडिट में जो लिखा होगा वो इनकम है और उसको बोलते हैं रिसीव्ड, तो यहां लिखो कमीशन रिसीव्ड। क्रेडिट में मीनिंग ये है कि रिसीव्ड हुआ हुआ है, डेबिट का मीनिंग है पेड का रखा है, रिसीव्ड 500। चलो जी ये तो हमारा बन गया, सारी आइटम हमने यहां से ले ली। अब जरा आगे चलते हैं, अब एक पॉइंट आ रहा है, अब एडजस्टमेंट को रीड करते हैं क्या सारी हो गई या नहीं। फर्स्ट हो गई क्लोजिंग स्टॉक की, सेकंड भी हो गई, थर्ड नहीं हुई अभी, थर्ड और फोर्थ आपस में रिलेवेंट है जरा ध्यान रखेंगे। देखो लिखा है डेप्रिशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट चेक करो क्वेश्चन में कौन सी दे रखी है, फिक्स एसेट दो दे रखी है, एक फर्नीचर और एक जो है प्लांट एंड मशीनरी, दोनों पर डेप्रिशिएशन लगेगा। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के लिए एक पॉइंट आ गया, बड़े अच्छे तरीके से नोट करो,
कहता है जो प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रखी है 1,50,000, उसमें इंक्लूड है मशीनरी 10,000 की जो परचेज हुई थी 1 अक्टूबर को, बीच में परचेज हुई है, पूरे साल का डिप्रिशिएशन नहीं लगेगा उस पर। तो पहले तो फर्नीचर पे आप लगा दो, यहां लिख दो डेप्रीशिएशन, डीपी का मतलब डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, ये तो आप फर्नीचर पर चार्ज करो। फर्नीचर आपको दे रखा है 8,000, तो फर्नीचर पर तो हो गया 400। ये समझ आया कहां से लिखा, मैं यहां कर देता हूं। ये देखो, अब आप आ जाओ यहां वर्किंग नोट पे, ये रहा, ये वर्किंग नोट बनाओ और यहां डेप्रीशिएशन लिखो, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। चलो जी, कितना लिखा था डेप्रीशिएशन है 8,000, मशीन दे फर्नीचर दे रखा है 8,000, 5% करो उसके ऊपर, कितना बन गया करोगे तो 400। ये चीज क्लियर हुई, ये हमने डेप्रीशिएशन ले लिया किसका, फर्नीचर का। अब अगला करते हैं जो मशीन के ऊपर डेप्रीशिएशन आ रहा है, मशीन वाला बड़ा ध्यान से करो, ये वर्किंग नोट में आपको दिखाना होगा, ये यहां लिखो डेप्रीशिएशन ऑन, डीपी का मतलब डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, कैसे चार्ज होगा वो जरा बताता हूं आपको। मशीन, ये देखो मशीन आपको दे रखी है क्वेश्चन में 1,50,000, कहता है जो 1,50,000 की थी उसमें 10,000 की इंक्लूड है जो कि हमने परचेज कर रखी है 1 अक्टूबर को, यानी कि ये कब परचेज करी थी हमने 1 अक्टूबर को 2021 में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और 1,40,000 की पुरानी मशीन चलती आ रही है। ये देखो थोड़ा इस पर अच्छी तरह से फोकस करना, टोटल मशीन बुक में दे रखी है कितनी 150 में से कह रहा है कि 10,000 की मशीन हमने 1 अक्टूबर को परचेज करी है 2021 में, उसको अलग कर दो, तो यानी कि दोनों को मिलाए तो 150 बना, लेकिन इसमें ये मशीन तो है पुरानी मशीन हमारी, इस पर तो डेप्रीशिएशन लगेगा पूरे 12 मंथ का, और उसके ऊपर कितना लगेगा डेप्रीशिएशन 6 मंथ का, अक्टूबर से मार्च तक चेक करो, आ गया समझ, यानी तो दोनों पर अलग अलग लगाना पड़ेगा आपको डेप्रीशिएशन। दोनों पर देखो डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा, पहले इसका निकालते हैं, ये मैं कर रहा हूं डेप्रीशिएशन, इसका ब्रैकेट में लिख भी दो 140 वाली पर कैसे निकला, इंटू 5/100, ये कितना बन गया 7,000। ये तो 12 मंथ वाली पर लगाया, अब उस पर लगाओ डेप्रीशिएशन जो लगा रहे हो, वो जो है 10,000 की मशीन है और उसके ऊपर 5/100, उसमें मंथ काउंट होंगे क्योंकि 6 मंथ का लगाना उस पर, करोगे तो वो 250 आ जाएगा, और टोटल कितना बन गया आपका 7,250। ये थोड़ा पॉइंट क्लियर हुआ भाई, दोनों पर अलग अलग लगाना होगा, इस पर पूरे साल का लगेगा 12 मंथ का, उसके ऊपर 6 मंथ का लगेगा। 12 मंथ का कैसे कैलकुलेट हुआ, ये कर दिया हमने 140 into 5/100, तो 7,000 आया, 10,000 वाली पर ये कर दिया जरा इंटू 5/100 इंटू 6/12, क्योंकि 6 अक्टूबर से मार्च तक करो तो 6 मंथ बनते हैं, बन गया इतना। टोटल कितना लग गया डेप्रीशिएशन, इसको लिख लो टोटल डेप्रीशिएशन, टोटल डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, ये रहा, दोनों पर अलग अलग लगाना होगा, और वो यहां लिख दो, यहां लिख दो टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 7,250। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक तो क्लियर हो गया। चलो जी, अब इनका नेट प्रॉफिट चेक करते हैं, देखो टोटल चेक करते हैं, उधर का बनता है 77,800, इधर का टोटल करते हैं तो 20, इधर का कम बनता है, वो वाली साइड ज्यादा है, लिख दो पहले आप 77,800, ये लिख दो ऐसे, इधर भी यही लिख दो 77,800। अब नेट प्रॉफिट यहां निकाल लो रफ में, नेट प्रॉफिट कैसे निकला 77,800, तो बन गया आपका इधर की साइड। अब इधर का टोटल करते हैं तो वो बनता है 39,750, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो 38,050 आ जाएगा, इट इज द नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट यहां पुट करो, लिखो टू नेट प्रॉफिट। ये चीज क्लियर हुई, 38,050, ये तो हमारा निकल गया नेट प्रॉफिट, और इसके आगे लिख दो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट को, उधर की साइड आ जाए तो उसको बोलते हैं नेट लॉस, कई बार ये भी हो सकता था इधर आ जाए, एक्सपेंस ज्यादा हो जाए और इनकम कम, तो यहां पर लिखेंगे नेट लॉस। अब इसमें क्या था, इनकम वाली साइड हमारी ज्यादा थी और एक्सपेंस कम थे, तो प्रॉफिट निकल गया, वो नीचे निकाल भी दिया हमने। अब हमारे दो काम हो गए, ट्रेडिंग भी और प्रॉफिट। अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। चलो जी, अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट की दो साइड है, ये लाइबिलिटी और ये असेट्स, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं। और बैलेंस शीट का दूसरा नाम भी मैंने आपको कई बार बता रखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशन स्टेटमेंट। तो जरा शुरुआत करते हैं आप क्वेश्चन से। देखो सबसे पहले चाहे आप इधर से शुरू करो चाहे इधर से, कोई सी भी साइड से शुरू कर सकते हैं।
आप असेट्स दे रखी है तो असेट से शुरुआत कर दो, जैसे डेबिट साइड दे रखी है, फर्नीचर लिखो सबसे पहले दे रखा है, लिख दो फर्नीचर, फर्नीचर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 8000 और याद करो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, एडजस्टमेंट आई थी और सारी एडजस्टमेंट डबल इफेक्ट करेंगी, एक बार पी एंड एल में ले लिया था हमने 400, दूसरा 400 यहां आएगा, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन 400, ये लिख दो ये रहा, और ये 7600। उसके बाद दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, लिखो प्लांट एंड मशीनरी, ये भी इनर कॉलम में लिखेंगे क्यों, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 1,50,000 दे रखा है आपको, और इस पर डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुए थे आपको याद हो दो थे, एक 7000 और एक 250, तो 7000 250 माइनस करो इसमें से, तो ये बन गया 1,42,750। यहां तक क्लियर हो गया, ये तो हमने अभी मशीन लिखी है। और इसके बाद चलो डेटर, डेटर के बारे में कोई पॉइंट नहीं है, एज इट इज लिख दो, डेटर्स आपको दे रखे हैं 30,000, डेटर असेट्स है हमारी, ना भी समझ आए आपको तो आप याद रखो जो डेबिट साइड में दिए होते हैं या तो एक्सपेंस होंगे और या असेट्स, ऐसी जो क्रेडिट होगी या तो वो इनकम होगी जो ट्रेडिंग या पीएनएल की क्रेडिट में आएगी और या वो लाइबिलिटी होगी। अब जरा आगे चलते जाओ, ऐसे ही यहां आगे चलते हैं, इसमें कोई कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आ रहे हैं, लिख दो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमें दे रखा है 2500, लिख दो 2500, फिर दे रखा है कैश एट बैंक, लिख दो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का दे रखा है हमें 40,000। चलो जी, ये तो अभी ट्रायल बैलेंस से लिखा है, एडजस्टमेंट का भी रीड करके यहीं लिखेंगे। अब एक बार क्रेडिट साइड चलते हैं, वहां देखो कैपिटल और क्रेडिटर दे रखे हैं, सबसे पहले लिखो कैपिटल यहां, चलो जी कैपिटल कितनी दे रखी है 1,50,000, इनर कॉलम में लिखो क्यों, इसमें आपको प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, लिखो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 38,050 आया था याद करो पी एंड एल अकाउंट से, ये 1,88,050 बन गया, ये चीज क्लियर हुई। अब यहां क्रेडिटर दे रखे हैं तो क्रेडिटर्स लिख दो 40,000, क्रेडिटर्स 40,000, क्रेडिटर्स वो है जिसको पे ऑफ करना है हमने। अब नीचे एडजस्टमेंट चलते हैं, देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट से करा करो, कभी गलती नहीं होगी, क्लोजिंग स्टॉक हमने एक बार तो लिया था ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, अब दूसरा भी आएगा वो असेट्स है, तो लिखो क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक 7,000, ये चीज क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट पे आओ, सेकंड में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हमने ट्रेडिंग में ली थी एक बार, दूसरी आएगी यहां पर पे ऑफ करनी है, लिख दो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेज कितनी दे रखी है, चेक करो आउटस्टैंडिंग वेजेज 600, इट इज लायबिलिटी इसलिए इधर लिखी गई है। उसके बाद सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, पे ऑफ करनी है, पी एंड एल में ली थी हमने याद करो, उसके बाद दूसरी यहां पर आएगी, हर एडजस्टमेंट दो जगह जाएंगी याद रख लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, चलो जी कितनी दे रखी है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन हमने एक बार पी एंड एल में लिया था याद करो 5%, वो ले चुके और दूसरा यहां ले गए दोनों। नेक्स्ट आ रहा है इंश्योरेंस प्रीपेड, जो एडवांस था वो नहीं लिया, यहां लिखो एडवांस इंश्योरेंस, एडवांस इंश्योरेंस, इसको चाहे प्रीपेड इंश्योरेंस लिखो चाहे एडवांस, दोनों मीनिंग सेम है, ये चीज क्लियर है। अब ये हमारी सारी आइटम पुट हो गई जो जो हमने लेनी थी, एडजस्टमेंट की भी लेनी और जो ट्रायल बेंच में गिवन थी, अब इसको टैली करते हैं। चलो जी अब इधर का टोटल करते हैं, दोनों साइड का, दोनों साइड का टोटल जब करते हैं तो देखो ये तो यही लास्ट में 50 दिख रहा है, 50 लिखो ये रहा, उसके बाद में आ रहा है 6 और 4 0, चलो जी 1 कैरी हो गया, 8 और 4 8 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 1 और 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, फिर 9 और 4 13, 1,230,050 इधर का तो टोटल आ गया। चलो जी अब एक बार इधर का टोटल करते हैं, इधर लास्ट में तो 50 ही आ रहा है देखो ये रहा, उसके बाद आगे चलते हैं फिर 6 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 5 18, 18 और 2 हो गया 20, उसके बाद 2 कैरी हो गया ये 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 7 20, 2 कैरी है दोबारा से, 4 और 2 कितना हो गया आपका 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 1 और 1 2 आ गया इधर का भी, दोनों साइडें मैच कर गई देखो, अभी हमारी दोनों साइडें टैली कर गई, टैली का मतलब है दोनों साइडें मैच कर गई, दोनों साइडें मैच करने का मतलब है कि इसका मतलब जो हमने बनाया था वो सारा ठीक है। अब आज हमारा अब ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे,
आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।